नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है फिर से आप सब लोगों का मेरे इस चैनल में। आप सब लोगों को आवाज़ से मेरा पता चल रहा होगा, थोड़ा बहुत अलग हो गया है, ऐसे अलग ही आवाज़ हो गई है। ऐसे आज तो थोड़ा बहुत ठीक है, ऐसे कल तक शायद पूरा ठीक हो जाएगी। और अभी मैं खाना वाना चढ़ा रखी हूँ दिन के लिए, नहाना धोना हो गया है, जो कुछ भी सुबह का काम काज था वो सब पूरा कम्प्लीट हो गया है। और अभी बच्चे बोल रहे थे भूख लग रही है, तो अभी मैं दाल चावल कर रखी हूँ, दाल चावल ही खाएंगे आज दिन में। उन दोनों भी दाल चावल ही खाएंगे बोल रहे हैं, ऐसे उन दोनों को रोटी पसंद है ज़्यादा, कभी कभार ऐसे चावल दाल खाते हैं। चलिए जल्दी से खाना वाना कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप सबसे। और मैं डर गई थी ऐसे मोबाइल कैसे ऐसे दिख रहा है कैसे, लेकिन साफ ही दिख रहा है, अच्छा ही था मेरा। मैंने मोबाइल को ही थोड़ा बहुत डस्ट जगह से शायद किया था, डस्ट सा हो गया था, इस वजह से शायद थोड़ा धुंधला सा दिख रहा था। और सही से खोल के पूरा साफ किया था, ऐसे अच्छा लग रहा है। वही मैं अभी करके देख रही हूँ, सामने से साफ दिख रहा है ऐसे। और ये रहा, देख सकते हैं, दिन में बहुत गर्म हो रहा था, उमस सा लग रहा था, बहुत ही बेकार सा मौसम हो रहा है। ऐसे आजकल कब क्या मौसम हो जाता है पता ही नहीं चल रहा, कभी बारिश तो कभी धूप कभी छांव, और तेज़ी बारिश हो रहा था ऐसे इस टाइम। और थोड़ा बहुत ऐसे बारिश हुआ तो थोड़ा ठंडा ठंडा सा भी लग रहा है, लेकिन धूप आएगा तो फिर और ऐसे ही उमस सा हो जाएगा। और खाना सब तैयार हो गया था, यहाँ पर मैंने दाल चावल बीन्स की सब्ज़ी पापड़ और थोड़ा बहुत खीरा प्याज टमाटर ये सब भी काट लिया था और सबके लिए निकाल रखी हूँ। बच्चों को भी भूख लग रही थी तो रोटी मांग रहे थे ऐसे, उन दोनों सुबह खाए थे तो मैंने रोटी नहीं दिया, कोई नहीं अभी दाल चावल खा लो गरम गरम है करके, तो मैंने दाल चावल सब्जी यही सब निकाल दिया था और पापड़। और हम सब लोग यहाँ खाना खा ले रहे हैं, हस्बैंड ने तो पहले ख़त्म भी कर दिया था ऐसे, पहले दे दिए थे और मैं खाना सब निकाल रहे थे ना ला रहे थे तो हो गया था उनका कम्प्लीट। और ये ऐसे दिन में कांच का जो गिलास होता है ना वो लेने गए थे ऐसे, इनको ना एक सिंगल गिलास चाहिए था पानी पीने के लिए, टेबल में रख रहे हैं ना आजकल पानी कि इसमें ही पानी पियेंगे अच्छा लगता है करके, तो सिंगल तो नहीं मिलता है ऐसा सेट ही मिलता है बोल रहे थे, तो ये कुछ गिलास लेके आए हैं, मीडियम साइज है, तो इसका उद्घाटन करेंगे बोल रहे थे। और धूप में गए तो थे लेकिन कोई भी पीने का जूस हो या कोई लिमका वगैरह या मज़ा वगैरह लेके भी नहीं आए साथ में, ये नहीं कि चलो बाहर आया हूँ तो धूप इसको भी साथ में ही लेके जाएंगे, मुझे बोल रहे थे कि जाओ लेके आओ अभी धूप में फिर मैं नहीं गई, अभी नहीं जाएंगे, इतना धूप भी हो रहा है, एक तो कुछ लेना भी नहीं है ऐसे बेकार के आना जाना। फिर मैं शाम को ही गई थी ऐसे धूप में, ऐसे मुझे मन सा नहीं हुआ था, आपको लेके आना चाहिए था जब लेके ये गिलास आ रहे हैं तभी लेके आना चाहिए था, अरे हम कुछ तो लेके जाएंगे करके सोचना नहीं चाहिए था करके मैं भी फिर बोल रहे थे। फिर हस्बैंड जी मान गए थे ऐसे, चलो कोई नहीं शाम को ही ले आएंगे। यहाँ पर देख रहे थे ये रहा ऐसे वाला गिलास लेके आए हैं करके, ऐसे पहले से रखा हुआ है लेकिन इनको दूसरा चाहिए था, ये कहीं सेट ख़राब ना हो जाए करके। तो ये रहा, यहाँ पर हमने कुछ चिप्स वगैरह लाया है, लेके आई थी मैं शाम को भुजिया और टोमेटो चिप्स हो गया, अंकल चिप्स हो गया, और यहाँ थोड़ा सा जूस पी ले रहे हैं, नॉर्मल है ऐसे, उतना ठंडा भी नहीं है। और ये सब करने के बाद हमने चाय वाय नहीं बनाया था ऐसे शाम को, ये सब किए थे तो फिर मैं ये आज पुई साग बनाऊँगी। ये डंठल एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा इसका निकाल लूँगी, जो ऊपर का लेयर होता है ना उसको निकाल लूँगी। फिर ये रहा कुछ पत्ते तो मैंने काट लिए हैं, और इसको छीलने में ना टाइम भी लग रहा था और मज़ा भी आ रहा था, जल्दी नहीं हो रहा है, हाथ फिसलता है ना जब इसको छीलते हैं तो फिर ऐसे करते करते मैंने सारा कर लिया था ऐसे, और थोड़ा बहुत बचा दिया है, साग थोड़ा बहुत बना लिया था, दाल चावल सब यहाँ तैयार कर दिया था। और उसके बाद मैं यहाँ पर दो बड़े बड़े आम लिया था, उसको मैं ग्राइंड नहीं की हूँ, बस मैसर से मैश कर दिया है हाथों से ही। और आज मैं बनाऊँगी सूजी और आटा का केक, मैंगो मलाई केक बना रही हूँ ऐसे। और आज मैं चीनी की जगह गुड़ ले रही हूँ, चीनी ऐसे है, गुड़ ना ब्लैक ब्लैक सा हो गया, कलर थोड़ा चेंज हो गया है, ऐसे ख़राब तो नहीं हुआ है, बस ठीक ही है, तो गुड़ का भी यूज हो जाएगा करके मैं यहाँ पर गुड़ ले रही हूँ, गुड़ को भी अच्छे से मैश कर ले रही हूँ, अच्छे से मिला ले रही हूँ।
और ये रहा एक कटोरी सूजी, मोटी हो पतली हो आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने ऐसे मोटा वाला लिया है, मैंने ग्राइंड भी नहीं किया है क्योंकि थोड़ा सा मैं इसमें आटा भी डालूंगी। और बहुत ही यम्मी लग रहा था ऐसे केक, बस ये सबको अच्छे से मिला लेंगे, कहीं भी लम्स ना हो, फिर हम इसको रेस्ट होने के लिए रख देंगे। ऐसे अच्छे से मिला लिया है, थोड़ा बहुत गुड़ भी ये रहा मेल्ट हो रहा है ऐसे। और इसमें ना थोड़ा सा मैंने मलाई भी कम से कम एक दो चम्मच मलाई भी ऐड कर दिया था, ये रहा घर का ही फ्रेश मलाई है, दो तीन चम्मच ऐड कर दी हूँ। मलाई को भी हम अच्छे से मिला देंगे। और थोड़ा बहुत मैंने सोडा वगैरह भी डाल दिया था, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर होता है ना वो सब भी डाल दिया था ऐसे, उसको मैंने बाद में किया है। अभी यहाँ पर थोड़ा मैं घी ऐड कर रही हूँ, घी हो गया रिफाइंड तेल या तो बटर भी मेल्ट करके आप मिला सकते हैं। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा मिला दिया था शायद, या तो घी कम करना चाहिए था क्योंकि मलाई में भी घी तो होता ही है ना, मैं भूल रखी थी। इन सबको मैंने अच्छे से मिला दिया है और थोड़ा सा मैं कम से कम आधे कटोरे जैसे छोटे कटोरे से थोड़ा बहुत आटा मिला ले रही हूँ। आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं, थोड़ा बहुत मैदा भी मिला सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसको अभी रेस्ट होने के लिए रख दूँगी 10-5 मिनट के लिए। और ये रहा जो मैंने सूजी बैटर बना के रखा था, अच्छे से मेल्ट हो गए हैं। और अब मैं इसमें थोड़ा सा सोडा वगैरह ऐड कर लूँगी, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर, फिर इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे, फिर हम केक टेन में डाल देंगे। केक टेन को मैंने पहले ही ग्रीस कर लिया है और बटर पेपर नहीं है ना तो मैंने उसमें आटा लगा लिया था ऐसे, आटा डस्ट कर लिया है पहले, रेडी कर रखी हूँ ऐसे। बस थोड़ा सा मैं दूध ऐड कर दे रही हूँ, ऐसे दूध का भी इतना ज़रूरत नहीं लगा मुझे क्योंकि आम से ही हो गया था। और ये रहा मैं इधर नमक डाल के गरम कर रखी हूँ पतीला को कम आँच में, और जब से केक सब बना रही हूँ तब से यही नमक चल रहा है, अभी तक इसको हटाया नहीं है, देखती हूँ अभी हटाऊँगी। और ये रहा मैंने पहले ही तैयार कर दिया था, डस्ट करके रखा हुआ है, बड़ा वाला केक टेन है। अब मैं इसमें जो बैटर तैयार किए हैं उसको डाल देंगे और थोड़ा बहुत टैप कर लिया है ताकि सब तरफ अच्छे से फैल जाए। और ये रहा एक हाथ से तो डालना नहीं बनेगा, गर्म हो चुका है, इसको मैं रख लेती हूँ मोबाइल को। और ये रहा मैंने केक स्टैंड को भी रख दिया है, अब इसको हम ढक्कन लगा देंगे। उसके बाद ना मैंने इतना चेक नहीं किया, जब तैयार हो गया तभी किया था। और ये रहा कुछ इस तरीके का बना था और हलवा जैसे भी लग रहा था और अच्छा लग रहा था ऐसे, स्वीट जैसा अच्छा बना था, कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है, ब्राउन सा हो गया है। और ये ना पूरा फूल गया था, मतलब गरम गरम घी और मलाई का जो था ना तेल तेल सा ऑयली सा, वो सूजी के साथ फूल गया था अच्छा खासा। मैं दबा के देख रही थी ये तो कच्चा है, लेकिन जब मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था उसके बाद देख रहे थे तो ये तैयार हो चुका था ऐसे, ये तैयार हो गया है। इसको मैं और रख दूँगी, और थोड़ा बहुत तो निकाल लिया था खाने के लिए, ले आओ कैसे बनाए करके दे दिया था। और ये मॉर्निंग का व्लॉग है, आज मैं बना रही हूँ तोरी की सब्ज़ी। तोरी को अच्छे से धो लिया है, साफ़ कर लिया है और छोटे छोटे पीस काट लिया है। तोरी सब्ज़ी ऐसे पसंद नहीं करते हैं, पापा जी आते हैं तब बनाते हैं, हम लोगों को तो पसंद है, हस्बैंड जी इतना पसंद नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत मैं अलग तरीके से बनाई हूँ और चटपटा बनाई हूँ थोड़ा, पापा जी आते हैं तो नॉर्मली बनाते हैं सिंपल। तो आज हस्बैंड जी को दिया है, देखते हैं लंच में आने के बाद क्या बोलते हैं, ऐसे पसंद नहीं है बोलते हैं। हाँ कभी कभार चटपटा सा बनाते हैं तो हाँ अच्छा लग रहा था, तोरी तो ऐसे हम खाते नहीं हैं ऐसे बोलते हैं, आज ऐसे लंच में दिए हैं देखते हैं। और डोली परे दोनों अभी उठ गए हैं, ब्रश व्रश कर लिए हैं, और यहाँ पर जो केक बनाया था वो निकाल दिया है, और दूध ब्रेड खाएंगे बोल रहे थे तो उन दोनों के लिए मैंने दूध ब्रेड सेक दिया है, उन दोनों को मैं दे रही हूँ। और थोड़ा बहुत रात को भी फीवर सा हुआ था, परी को भी और डोली को भी PCM दे दिया था, उससे ऐसे आराम है, मौसम चेंज होने की वजह से ये सब हो रहा है आजकल, बस गर्म सा ही हो रहा था ऐसे, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं था। और ये रहे इन दोनों अपना खा ले रहे हैं,
फिर उसके बाद थोड़ा अपना काम सब करेंगे, होमवर्क वगैरह। आई फ्लू जो हो रहा था दोनों को, अभी तो ऐसे ठीक है, कल से इन दोनों स्कूल जाएंगे। वीडियो यहीं तक का था फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मेरे चैनल पर अगर कोई भी नए आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।